जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि फेडरल बोर्ड ने आज यहाँ पर जो ऑडिटोरियम में चेस कंपटीशन 2023 के हवाले से, आप मेरी बैग पे भी देख रहे होंगे, कंपटीशन जारी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं। मकसद ये है कि फेडरल बोर्ड का कि ना सिर्फ स्टूडेंट ख़ास तौर पर जिस्मानी वाले से बल्कि जहनी हवाले से, और देखने में ये आया है कि जिस तरह स्टूडेंट आम जहनी तौर पर उसको मजबूत करेंगे वो उतनी आसानी से ही अपनी मनाजिल जो है वो तय करेगा। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर नूरुल सबा साहिबा, प्रिंसिपल हैं आप सर सैयद कॉलेज वाकेंट की, इनसे बात करेंगे और मैडम से पूछेंगे कि आज के कंपटीशन के हवाले से मैडम क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कंपटीशन बहुत अच्छा है जी, चेस कंपटीशन होने चाहिए। हमने अपने स्कूल टाइम पे ये कंपटीशंस खेलने शुरू किए थे। कंपटीशन क्या, वो घर में ही होते थे कंपटीशन। तो चेस जो है वो आपकी साइकोमोटर डोमेन, आपकी मेंटल जो कैपेबिलिटी होती है, आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, और मेरा ख्याल है कि बच्चों की मेंटल एक्सरसाइज के लिए चेस बहुत अच्छी गेम है। अच्छा मैडम, क्योंकि आप डेफिनेटली अपने आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक तो उनका इस वाले से बताएंगे क्या उन्होंने जहाँ पर आके जो आपने महसूस किया बच्चों के वाले से, ऊपर जो फेडरल बोर्ड की जो एक्टिविटीज़ है इसको किस तरह आप देखेंगी? मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो हमारी डायरेक्टर हैं फातिमा तहरा फेडरल बोर्ड की, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसमें बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियाँ भी आ रही हैं, और ये स्कूल लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा होने चाहिए और इसमें बच्चे और बच्चियाँ इक्वली पार्टिसिपेट करें। अभी थोड़ा सा जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो चीज़ देखी है वो यूज़ ऑफ टाइमर है। हमारे बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन इस तरह के जो टाइमर वाले जो गैजेट्स हैं इनके इनका एक्सपोजर नहीं है बच्चों को। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इंशाल्लाह अपनी टीम लेके आएंगे तो हम अपने बच्चों को टाइमर के साथ तैयारी करवा के लेके आएंगे, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।